यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह मरने से नहीं डरता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। ये शब्द पूर्व भारतीय सेना अध्यक्ष सैम मानेकशा के द्वारा गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों के लिए कहे गए थे। दरअसल गोरखा वो सिपाही हैं जिन्हें भारतीय सेना की आन बान और शान माना जाता है और उनकी बहादुरी के किस्से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तभी तो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे जांबाज सिपाहियों में शुमार किया जाता है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको भारतीय सेना के सबसे अहम अंग माने जाने वाले गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों के बारे में ही बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट को बलिदान का दूसरा नाम माना जाता है, क्योंकि देश पर जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो सबसे पहले इसी रेजिमेंट के सिपाहियों को ही याद किया जाता है। अपनी वीरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर गोरखा के निडर सिपाही देश के लिए हर समय अपनी जान के बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व युद्ध के दौरान भी ब्रिटिश आर्मी ने इन्हीं गोरखा सिपाहियों के दम पर ही हिटलर की नाजी आर्मी को टक्कर दी थी। और गोरखा सिपाहियों ने वर्ल्ड वार के दौरान युद्ध भूमि में जिस वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया था उसके किस्से आज भी पूरी दुनिया में सुनाए जाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोरखा हमारी इंडियन आर्मी की एक इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना रेजिमेंट है जो कि नेपाल मूल के गोरखा सिपाहियों को शामिल करके बनाई गई है। अब गोरखा के इतिहास की अगर बात की जाए तो हमारे भारत में इन वीर सिपाहियों ने अपनी दस्तक आज से करीब 212 साल पहले ही दे दी थी। बताया जाता है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने साल 1809 में गोरखा सिपाहियों को अपनी सेना में शामिल किया था और ये पहली बार था जब इन सिपाहियों को नेपाल के बाहर किसी सेना में शामिल किया गया था। इसके बाद से साल 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गोरखा के इन जवानों को ब्रिटिश भारतीय सेना में भी शामिल कर लिया गया। दरअसल हुआ यह कि ब्रिटिश सरकार अपने व्यापार को तिब्बत तक फैलाना चाहती थी और उनकी इसी कोशिश के दौरान सन 1814 में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध छिड़ गया। 2 साल तक चले इस युद्ध को आज इतिहास में एंग्लो नेपाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में दुनिया ने पहली बार गोरखा सिपाहियों की बहादुरी और निडरता को देखा था और इन बहादुर जवानों के शौर्य को देखकर उस समय पूरी दुनिया दंग रह गई थी, क्योंकि संख्या में बेहद कम होने के बावजूद भी नेपाल के इन वीर सैनिकों ने ब्रिटिश सिपाहियों को कड़ी टक्कर दी थी। यहाँ तक कि ब्रिटिश आर्मी इस युद्ध में गोरखा सिपाहियों की ताकत और वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय इन वीर जवानों को ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल कर लिया था और तब से लेकर आज तक ये सिपाही हमारी इंडियन आर्मी की जान बने हुए हैं। वैसे अगर आप यह सोचते हैं कि गोरखा सिपाही सिर्फ हमारी भारतीय सेना में ही शामिल किए जाते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि गोरखा के ये जवान भारत और नेपाल के साथ ही साथ लंबे समय से ब्रिटिश आर्मी का भी एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। ये सिपाही अपने खास किस्म के हथियार के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं, जिसको कि नेपाली भाषा में खुकुरी कहा जाता है। असल में ये एक स्पेशल किस्म का 12 इंच लंबा चाकू होता है जिसको गोरखा का हर एक जवान हर समय अपने साथ रखता है। इस चाकू के बारे में यह कहावत काफी मशहूर है कि जब कोई गोरखा अपनी खुकरी को बाहर निकालता है तो फिर वो दुश्मन का खून बहाए बिना वापस म्यान में नहीं जाता है। गोरखा के बारे में बहुत से लोगों को यह गलतफहमी भी है कि इस सेना में सिर्फ एक खास किस्म की जाति के लोगों को ही शामिल किया जाता है, लेकिन असल में गोरखा किसी एक स्पेशल जाति के सिपाही नहीं होते हैं बल्कि इनमें पहाड़ों पर रहने वाली अलग अलग जातियों के लोगों को शामिल किया जाता है। दरअसल नेपाल के पहाड़ी इलाकों में गोरखा नाम का एक जिला है जो कि ऐतिहासिक रूप से योद्धाओं की जन्मभूमि माना जाता है। इस जिले के अंदर सुनवार, गुरुंग, राय, मागर और लिंबू आदि जाति के लोग रहते हैं और इनमें से किसी भी जाति का व्यक्ति गोरखा सिपाही बन सकता है। हालांकि यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि गोरखा बनने के लिए हर एक जवान को बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाना हर एक के बस की बात नहीं होती। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि गोरखा बनने का दमखम रखते हैं और ये भी एक वजह है कि इन सिपाहियों को इतना ज्यादा खास माना जाता है। गोरखाओं की बहादुरी और वीरता के किस्से बहुत पुराने हैं और अपनी निडरता और युद्ध कौशल से गोरखा पलटन बहुत से युद्ध जीत चुकी है। गोरखा द्वारा जीते गए युद्धों में 1947-48 का उरी सेक्टर, 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध शामिल हैं। इतिहास गवाह है कि गोरखा
जब भी कभी किसी युद्ध के लिए मैदान में उतरे हैं, तो वहां उन्होंने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोरखा के जवानों ने अंग्रेजों के लिए विश्व युद्ध में भी भाग लिया था, और उन दोनों ही महायुद्धों में इन वीर जवानों ने अपनी बहादुरी व युद्ध कौशल से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। पहले विश्व युद्ध की अगर बात करें तो उसमें अंग्रेज की तरफ से लगभग 2,00,000 गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, और युद्ध खत्म होते होते उनमें से करीब 20,000 सिपाही शहीद हो गए थे। इसके बाद से दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने लगभग 2,50,000 गोरखा जवानों को अपनी तरफ से युद्ध में उतारा था, और इन सिपाहियों को दुनिया के अलग अलग हिस्से जैसे कि सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, इटली, ग्रीस व बर्मा जैसे जगहों पर भेजा गया, और इस युद्ध में भी 32,000 से भी ज्यादा गोरखा जवान शहीद हो गए थे। लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर की तरह ही दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी गोरखा जवानों ने अपनी बहादुरी व शौर्य से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यहाँ तक कि इस युद्ध में गोरखाओं की वीरता के बहुत सारे किस्से आज भी इतिहास में दर्ज हैं, जो कि अक्सर लोगों द्वारा सुनाए जाते हैं। इनमें सबसे फेमस किस्सा लक्ष्मण गुरुंग नाम के एक गोरखा का है, जिन्होंने अपने अकेले के दम पर ही 200 जापानी सिपाहियों का सामना किया था। हालांकि इस मुकाबले में वह बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटे और पूरी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। हाथ में ग्रेनेड फट जाने के कारण उन्होंने अपना दायां हाथ भी खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बाएं हाथ से दुश्मनों पर गोलियां बरसाते रहे, और इस मुकाबले में उन्होंने अकेले ही 31 जापानी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि बाकी के बचे सिपाही उनकी निडरता और बहादुरी को देखकर वहां से भाग खड़े हुए थे। और दोस्तों, लक्ष्मण गुरुंग की तरह ही लोगों के बीच में कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया की वीरता का भी किस्सा काफी फेमस है। दरअसल गुरुबचन सिंह सलारिया ने कांगो युद्ध के दौरान अकेले ही सिर्फ अपनी खुकुरी के दम पर 40 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था, और इस लड़ाई को लड़ते हुए वह खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गोरखा की वीरता को बयां करने वाले इस तरह के ना जाने कितने ही किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिनकी कहानियां अक्सर लोगों को सुनाई जाती हैं। अब अगर आज की बात करें तो इस समय भारतीय सेना में कुल 7 गोरखा रेजिमेंट्स के अंदर 40,000 से भी ज्यादा गोरखा जवान मौजूद हैं, और बताया जाता है कि हर साल लगभग 1200 से 1500 गोरखा जवान भारतीय सेना में शामिल किए जाते हैं। और गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय सैनिकों को गोरखा भाषा सीखनी पड़ती है, ताकि वे अपनी रेजिमेंट के सिपाहियों के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सके। गोरखाओं में शुरुआत से ही दशहरे के दिन भैंस की बलि देने की एक प्रथा है, जिसको कि आज भी हर गोरखा पलटन में निभाया जाता है। इस प्रथा के अनुसार बलि देने का मौका यूनिट के सबसे जवान सिपाही को दिया जाता है, और जो भी सिपाही यह बलि देता है उसके लिए यह काफी सम्मान की बात होती है। अब दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जैसे जैसे बलिदान गोरखा सिपाहियों ने दिए हैं, उनके लिए हमारा देश और हम सभी लोग हमेशा ही आभारी रहेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।